आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से तरीके की मेमोरी होती है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसका कंप्यूटर में यूज़ क्यों किया जाता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके के वो टास्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर छोटे से बड़े हर चीज़ में हमें हेल्प करता है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, स्कूल में हो या फिर बड़े साइंटिस्ट लोगों के लिए हो। ये सभी जगहों पे इक्वली काम करता है, ये छोटे बड़े हर काम को करता है। कंप्यूटर के आने से हमारे बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जो घंटों का टाइम लेते थे, वो अब कुछ समय में ही किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लें तो जैसे हम लोगों को एक ही डॉक्यूमेंट की 10 कॉपी चाहिए तो हम लोग सिर्फ कंप्यूटर को उसका रिपीटेशन की बार बार रिपीटेशन का दे देंगे कमांड, तो वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेगा। या फिर हम लोग उस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को, एक ही डॉक्यूमेंट को 10 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैनुअल मेथड में हम लोगों को वैसा करना है या तो हमें उसे 10 बार लिखना पड़ेगा या फिर हम लोग कार्बन का यूज़ करके 10 बार उसे कॉपी कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों ने कंप्यूटर में का यूज़ किया तो कंप्यूटर में इस काम को बहुत कम समय में और बहुत ईजिली किया जा सकता है। जैसे हमारे पास अगर लेटर का फॉर्मेट रेडी है तो उसे सेट करके हम लोग चाहे तो 10 प्रिंट 2 मिनट में ही निकाल सकते हैं। ये बहुत कम टाइम लेता है और इसमें एक बार कमांड दे देने पर ये अपने टास्क को कंप्लीट किए बिना नहीं रुकता है। मतलब एक बार टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद ही कंप्यूटर फिर नेक्स्ट टास्क को करेगा। इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही टाइम पे मल्टीपल काम को करना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में एक साथ कई काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, साथ में हम लोग वेब पे कुछ सर्च कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग गाना चला रहे हैं, तो ये 2-3 काम एक साथ चल रहे हैं। बट इससे कंप्यूटर की स्पीड पे कोई कमी नहीं आ रही है, उसकी एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं आ रही है। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, उसमें जो होने वाली जैसे कोई काम को एक ह्यूमन बीइंग करता है और एक साथ 2-3 काम को करता है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी काम में सारे काम, अगर 3 काम एक साथ कर रहे हैं तो तीनों काम थोड़ा डिले होगा कंपैरेटिवली अगर हम एक काम को मन लगा करके करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर 3 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं तो वो टाइम भी उतना ही लेंगे बट उनकी एक्यूरेसी भी सेम रहेगी, करेक्टनेस सेम रहेगी, उनके आउटपुट में किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो 3 काम साथ में करें चाहे 10 काम साथ में करें। तो ये चीज़ होती है। आजकल जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो बहुत हाई लेवल के कंप्यूटर हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार में कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है और उसका आउटपुट हमें देता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है उसे भी कंप्यूटर लेता है और उसे ईजली शॉर्ट छोटे फॉर्म में हमें दिखाता है। इसके लिए कंप्यूटर कई तरीके की चीज़ों का यूज़ करता है। जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, 3 तरीके के डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों को देना है उसे देने के लिए, तो इनपुट डिवाइस का यूज़ हम लोग करेंगे किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर का यूज़ करते हैं जब इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट डिवाइस की हेल्प से इनपुट दिया जाता है तो प्रोसेसर उस इनपुट को रिट्रीव करता है, रिसीव करता है और उसके बाद उसे प्रोसेस करता है। मतलब उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली उस टास्क को कंप्लीट करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। उस आउटपुट को जनरेट करने के बाद आउटपुट डिवाइस तक उसे पहुँचाता है और आउटपुट डिवाइस उस आउटपुट को रिसीव करके आउटपुट स्क्रीन पर, आइदर वो मॉनिटर हो या फिर प्रिंटर हो, उसमें शो करता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर
काम करता है। लेकिन हम लोग, ये तो हो गई कंप्यूटर की बात, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो मेमोरी को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन चिप होती है, जो हमारे कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, जिसे हम लोग CPU के नाम से भी जानते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जैसा कि हम लोग CPU की वर्किंग जानते हैं, वो हर तरीके की प्रोसेसिंग हमें करके देता है। CPU का काम क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। CPU के तीन काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है CPU का मेमोरी इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट यूज़र द्वारा दिया जा रहा है उसे एक्सेप्ट करना, उसे रिट्रीव करना और दिए गए इंस्ट्रक्शन को फेच करना। फेच करना मतलब होता है जब किसी इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस से लिया जा रहा है और इनपुट डिवाइस से लेने के बाद उसमें किस तरीके की वर्किंग परफॉर्म करना है वो उसको कहलाएगा फेच करना। फेच करने के बाद सेकेंड काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, जिसे हम लोग CPU के नाम से भी जानते हैं, उसे डिकोड करना। डिकोड करना मतलब उसमें किस तरीके की वर्किंग करनी है, किस क्या काम को करना है, व्हाट टू डू। तो सेकेंड काम होगा डिकोड करना। उसके बाद थर्ड काम होगा उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि अब हम लोगों को समझ में आ गया है, कंप्यूटर को समझ में आ गया है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, क्या वर्किंग करनी है। तो थर्ड चीज़ होगी उसमें एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए वो मेमोरी का यूज़ लेगा, बसेस का यूज़ करेगा और दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज़ करेगा, जिसे जिसकी भी उसे नीड पड़ेगी। तो इन सब का यूज़ करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। देन फाइनल होगा उसे फिर से एक एग्जीक्यूट करने के बाद एक डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे प्रोसेस होने के बाद एक डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करेगा और आउटपुट डिवाइस तक उसे पहुंचाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक सिलिकॉन चिप होता है जो हमारे कंप्यूटर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग। तो इसमें देखें माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। सेकेंड हम लोग इसमें देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन सेट, सेकेंड है वर्ड लेंथ एंड थर्ड क्लॉक साइकिल या फिर क्लॉक रेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो उसमें हम लोग तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे क्लॉक स्पीड। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिन्हें ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब अगर किसी काम को करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे अगर मुझे चाय बनानी है तो सबसे पहले उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। और पूरे इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि इसमें कई इंस्ट्रक्शन मैंने बताए, सबसे पहले बर्तन लिया, उसके बाद उसमें पानी डाला, तो एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, तीन इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके कई इंस्ट्रक्शन हो गए। तो इन इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन किस चीज़ से मिलकर बनता है? सेट ऑफ वर्ड से। सेट ऑफ वर्ड से मिलकर के एक इंस्ट्रक्शन बनता है और बहुत सारे सेट से मिलकर के, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है। इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग
कैसे डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट का हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, जिसे इसे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में। जैसे हमारा SMPS एक बार में अगर 10 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन लेने की कैपेसिटी है कि वो एक बार जब प्रोसेस करेगा तो 10 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देगा। देन जब वो सेकेंड बार प्रोसेस करेगा तो फिर से 10 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देगा। इसी तरीके से वो बार बार रिपीट करता रहेगा। लेकिन आजकल के जो हमारे कंप्यूटर है उनकी SMPS की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। इसमें अब क्या हुआ है कि जो हमारे SMPS है वो एक बार में 150 से 200 इंस्ट्रक्शन को एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारी प्रोसेसिंग की टाइमिंग थी वो कम हो गई है। प्रोसेसिंग की टाइमिंग कैसे कम हुई है, जिस इंस्ट्रक्शन को हम लोग 10-10 इंस्ट्रक्शन के सेट में तोड़ करके प्रोसेस करते थे, उसको आप 150 या 200 इंस्ट्रक्शन के सेट में तोड़ करके उसे प्रोसेस करते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा, और उसी को अगर हम लोग ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक बार में प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि छोटे इंस्ट्रक्शन ज़्यादा बेटर आउटपुट देते हैं, बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि अगर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस किया जाए तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा करेक्ट आता है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। क्योंकि किसी भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 500 लाइंस की कोडिंग की गई है, कोडिंग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए उसकी कोडिंग की जाती है। अगर हम लोग 500 लाइन की कोडिंग कर रहे हैं तो 500 लाइन की कोडिंग क्या है, 500 लाइन के इंस्ट्रक्शन हमने उसे दिए हैं। अगर वो 500 लाइन को 10 लाइंस करके प्रोसेस करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भले ही ज़्यादा होगी, पर उसका रिज़ल्ट देने का आउटपुट देने का टाइमिंग ज़्यादा होगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर वो 150 या 200 में करता है, प्रोसेस करके करते हैं, तो उसमें जो रिज़ल्ट आने का टाइमिंग है वो कम होगा, जल्दी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन सेट, कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में किस स्पीड से इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता है वो उसका इंस्ट्रक्शन कहलाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। मतलब कितने इंस्ट्रक्शन को एक बार में प्रोसेस किया जाएगा और उन सब का एक सेट इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन सेट का डेफिनेशन। द पॉसिबल ऑपरेशन अ माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इज डिटरमाइंड थ्रू इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोग्राम आर रिटन फॉर अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा SIMPS एक बार में 10 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तो उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 10 की है। और आजकल के जो SIMPS है वो हमारे 150 से 200 इंस्ट्रक्शन तक प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो होगा वर्ड लेंथ की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया वर्ड लेंथ क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। वर्ड लेंथ क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन में जितने भी वर्ड प्रोसेस हो जाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में जितने भी वर्ड आते हैं वो सारे उसके वर्ड साइज़ कहलाती है। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन को लिखा गया है उसमें 10 वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो वो उसकी वर्ड साइज़ कहलाएगी। इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को जब प्रोसेस किया जाता है उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में जितने भी वर्ड एक बार में एग्जीक्यूट हो जाते हैं वो उसका वर्ड साइज़ कहलाता है। इसका हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं 64-bit माइक्रो प्रोसेसर, 32-bit माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका मतलब क्या है कि 32-bit माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है 32-bit वर्ड साइज़ को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए आजकल हम लोग 64-bit माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। 64-bit माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि वो एक साइकिल में एक बार में 64 वर्ड लेंथ को, वर्ड साइज़ को एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो द वर्ड साइज़,
The number of bit processed in a single single instruction depend upon the word size of the microprocessor. The word size determine the amount of information that can be processed in one go, and the amount of RAM memory that can be accessed. इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी कैपेसिटी का हमारा माइक्रोप्रोसेसर होता है उतने बिट वो एक बार में उतने वर्ड साइज हमारे माइक्रोप्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है. जैसे 32 बिट का हमने एग्जांपल लिया, 32 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है तो वो 32 बिट वर्ड्स को एक बार में प्रोसेस कर सकता है. इसका एग्जाम्पल सेम है, 32-bit माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर को MP या फिर MUP से भी डिनोट करते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. 32-bit माइक्रोप्रोसेसर का मतलब है 32-bit वर्ड पर इंस्ट्रक्शन. इसी तरीके से 64-bit माइक्रोप्रोसेसर के लिए 64-bit वर्ड पर इंस्ट्रक्शन. इस तरीके से हम लोग माइक्रोप्रोसेसर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लॉक साइकिल. क्लॉक साइकिल मतलब कि एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने पर माइक्रोप्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शन को एक बार में प्रोसेस करता है और कितने इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं वो उसकी क्लॉक साइकिल या फिर क्लॉक रेट कहलाती है. तो हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे वो है क्लॉक रेट. क्लॉक रेट क्या होता है, जब माइक्रोप्रोसेसर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है उस टाइम पर माइक्रोप्रोसेसर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है और उसे जिन इंस्ट्रक्शन में बैचेस बना करके जो इंस्ट्रक्शन को रखा गया है एक बैच को दिया जाता है और वो एक साइकिल में एक बैच की प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है. जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे कि अगर ये सन है और अर्थ है तो अर्थ अपना एक राउंड, एक कंप्लीट सर्कल 24 आवर्स में कंप्लीट करता है. उसी तरीके से इसका एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि वो एक राउंड अपना 24 आवर्स में कंप्लीट करे, तो यहाँ पे वो एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है. उसी तरीके से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर ने उसके बैचेस बना, इंस्ट्रक्शन के बैचेस बना करके रखे हुए हैं. उस बैचेस को एक एक करके बैच को उठाना है और एक साइकिल में उन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को, एक बैच इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है और उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगी उसकी क्लॉक साइकिल या फिर क्लॉक रेट. इसका एग्जाम्पल हम लोग ये भी देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि आजकल जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर आते हैं जिनकी स्पीड हम लोग मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में देखते हैं. मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो मेगाहर्ट्ज़ हम लोग मेगाहर्ट्ज़ में डिफरेंस ये होता है कि 1 मेगाहर्ट्ज़ इक्वल्स टू 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. मतलब कि अगर हमारा जो प्रोसेसर है, माइक्रोप्रोसेसर है, वो 1 मेगाहर्ट्ज़ का है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी होगी 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में वो एग्जीक्यूट कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है. इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो है 1 गीगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. तो 1 गीगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि मिलियन से कहीं ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है. इसके बाद जो आजकल हम लोग माइक्रोप्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की होती है, जो 1 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा. अब हम लोग देख रहे हैं क्लॉक रेट या क्लॉक साइकिल की डेफिनेशन. द क्लॉक स्पीड इज़ द स्पीड एट विच अ माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन
Every computer contains an internal clock that regulates the rate at which instructions are executed and synchronize all the various computer components. तो ये है इसका डेफिनेशन. इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज वाला, जिसमें वन मेगाहर्ट्ज इक्वल्स टू वन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. उसी तरीके से 1 गीगाहर्ट्ज का अगर हम लोग देखें तो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. तो ये है इसका एग्जांपल. तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोप्रोसेसर के किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सीपीयू को क्यों माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है और उसके कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोप्रोसेसर के कंपोजिशन. माइक्रोप्रोसेसर के कंपोजिशन मतलब माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग कैसे होती है. ये चीज़ हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस की है कि वो कैसे वर्क करता है, लेकिन अब हम लोग इसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे वर्क करता है. सबसे पहले वो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले वो इनपुट को लेगा, सेकंड उसको डिकोड करेगा, थर्ड उसको एग्जीक्यूट करेगा और फोर्थ पॉइंट उसका होगा कि उसका एक डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करेगा. तो ये हो गए इसके कंपोजिशंस कि वो किस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन को लेगा और उसका आउटपुट कैसे जनरेट करेगा. तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं. लगभग सभी माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग करने का तरीका एक जैसा होता है. सारे जितने भी माइक्रोप्रोसेसर वो एक ही तरीके से काम करते हैं. तो वो कैसे काम करते हैं, सबसे फर्स्ट जो उनका काम होता है टेक इनपुट. सेकेंड जो है वो है डिकोड इंस्ट्रक्शन. थर्ड है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. एंड फोर्थ है प्रोड्यूस आउटपुट. ये चार काम सभी कंप्यूटर, सभी माइक्रोप्रोसेसर में एक तरीके से ही किया जाता है. वो इनपुट डिवाइस की हेल्प से इनपुट लेंगे, उसके बाद उसे डिकोड करेंगे कि वो उसमें किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेंगे मतलब एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद लास्ट फाइनल एक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. इसके बाद माइक्रोप्रोसेसर कंपोजिशन के अंदर जो हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कई पार्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, रजिस्टर, सीयू, एएलयू. ये सारी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि इनकी वर्किंग क्या होती है और किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो माइक्रो प्रोसेसर कंपोजिशन के अंदर है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कि हम लोग इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं अब इनको एक एक लाइन में बताऊंगी कि इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं. तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो है सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो भी सीपीयू में प्रोसेसिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना. वो एज अ मैनेजर काम करता है और चेक करता है कि कौन से टाइम पर कौन से रजिस्टर में कौन सा डेटा होना चाहिए, ALU को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इन सब को देखने की जिम्मेदारी, मॉनिटर करने की जिम्मेदारी CPU की होती है जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है.
इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं सुपरवाइज द ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी तरीके के अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सब को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये CPU के अंदर का सेकेंड पार्ट है। जितने भी तरीके की कैलकुलेशन होंगे वो सब ALU द्वारा किए जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड ये सारे चीज़ ALU से ही किए जाएंगे। सारे कैलकुलेशन ALU ही करता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे